पंजाब कांग्रेस के मंत्री साधु सिंह धर्मसोत दी मुश्किल लगातार वही नज़र आ रही ने। दस दिए कि अगस्त 2020 का मामला है स्कॉलरशिप घोटाले का 75 करोड़ तो वादा गमन होया, जिस मुख सकत्र वालों क्लीन चिट दी गई, पर विरोधी धिर वालों लगातार आवाज़ उठाने तो बाद एक बार मामला फिर उजागर होया। और दूसरी गल है कि पंजाब सरकार जी है CBI की जाँच कर सहयोग नहीं कर रही और ना ही फाइल जी है केस की वो CBI सौंप रही है, पर हुण केंद्र सरकार ने सीधे आदेश दिते ने इस मामले दे विच दखल देण दे और जल्द कार्रवाई करन दे। दस दे कि साधु सिंह धर्मसोत दी मुश्किलां हुण CBI दे कारण वध सकदियां ने, और जिस तरीके नाल मुख सकत्र वल्लों क्लीन चिट दी गई उस तो बाद मामला जदों उजागर होया 39 करोड़ रुपया जिहड़ा सी वो जायज़ भी सी दिता गया, पर उस तो बाद काफ़ी घोटाला जिहड़ा इस दे विच होया और साधु सिंह धर्मसोत का नाम आया। विरोधी धिर के आगुओं वालों भी लगातार आवाज़ उठाई जा रही है कि साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए है और जो हक है उन्होंने मिलना चाहिए, जो स्कॉलरशिप सी बच्चों की वो पैसा जिहड़ा बच्चों मिलना चाहिए उन्हां दी पढ़ाई दे वास्ते। और दस दिए कि हुण लगातार मुश्किलां जिहड़ियां वध सकदियां ने क्योंकि CBI हुण सीधा दखल करेगी, कार्रवाई करेगी, क्योंकि केंद्र सरकार के जो आदेश होए ने कि इस मामले दे विच जल्द तो जल्द कार्रवाई की जाए। हुण देखना होगा कि पंजाब सरकार साधु सिंह धर्मसोत जिस तरीके नाल नोटिस पहुँचे उन्होंने हुण की सहयोग करनगे और किस तरीके की कार्रवाई होएगी धर्मसोत के खिलाफ, यह आने वाले समय दे विच देखना होगा। कैमरा परसन करणजीत सिंह दे नाल दविंदर सिंह, ग्लोबल पंजाब TV दिल्ली। हुण तुसी देख सकते हो ग्लोबल पंजाब TV नू डाउनलोड करो साडी ऐप एंड्रॉयड जा iOS ते फ्री विच रोकू अते Amazon Fire TV ते जा Apple TV ते, नाल ही देख सकते हो लाइव स्ट्रीमिंग www.globalpunjabtv.com ते।